तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनका Realme C3 डिवाइस है अभी भी Android 10 में अपडेटेड है, तो गाइस उनके लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है जिसका वर्जन है 8.69 का। तो गाइस इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि जिनका Realme C3 डिवाइस Realme UI 2.0 में अपडेटेड है, तो गाइस उनके लिए भी एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है जिसका वर्जन है 3.07 का। तो गाइस इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को कितना देखने के लिए मिलता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड गाइस जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट 3.07 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, तो गाइस उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप भी हैं Realme C3 डिवाइस के यूजर्स, तो गाइस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मैं भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनका Realme C3 डिवाइस अभी भी Android 10 में अपडेटेड है, तो गाइस उनके लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है जिसका वर्जन है 8.69 का। गाइस फिर से आप लोगों को बता दें जिनका Realme C3 डिवाइस 8.67 में अपडेटेड है उन्हें 8.69 का अपडेट देखने के लिए मिला है। अगर बात करें गाइस इस अपडेट के न्यू फीचर्स के बारे में कि गाइस आप लोगों को 8.69 के अपडेट में क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला है, तो गाइस यहां पे आप लोगों को सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि गाइस कि आपके डिवाइस के जो सिक्योरिटी पैच है उन्हें और भी ज्यादा एनहांस कर दिया जाता है। एंड गाइस आपके डिवाइस में जो छोटे-मोटे बग थे उन्हें फिक्स करने के बाद आपके फोन के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। अगर बात करें गाइस यहां पे कि जिनका Realme C3 डिवाइस Realme UI 2.0 में अपडेटेड है, तो गाइस उन्हें भी एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है जिसका वर्जन है 3.07 का। अगर बात करें गाइस इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में, तो गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है वो है 271 MB का। जी हां गाइस यहां पे आप लोगों को फाइल साइज काफी छोटा देखने के लिए मिलता है, अंडर 300 MB ही फाइल साइज आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। गाइस आप लोग यहां पे फाइल साइज से गेस कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला होगा Realme C3 डिवाइस में 3.07 के अपडेट में। अगर बात करें गाइस यहां पे चेंजेस के बारे में, तो गाइस वो मिला है आप लोगों को सबसे पहला चेंजेस सिक्योरिटी पैच में, वो है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच नवंबर 2021 का। तो गाइस ये काफी अच्छी बात है कि नवंबर 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है Realme C3 डिवाइस में 3.07 के अपडेट में। अगर बात करें गाइस यहां पे नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो वह गाइस आप लोगों को कैमरा में देखने के लिए मिल जाता है, वह गाइस यहां पे ऑप्टिमाइज द क्वालिटी ऑफ शूटिंग विद फ्लैश ऑन। जब फ्लैश ऑन पे जब आप यहां पे यार जब कुछ शूट करते थे तो गाइस उसके क्वालिटी को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। तो गाइस ये काफी अच्छी बात है कि कैमरा में आप लोगों को इस अपडेट में चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद जो गाइस यहां पे नेक्स्ट ऑप्टिमाइज द इमेज क्वालिटी ऑफ द रियल कैमरा व्हाइल शूटिंग विद थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। जी हां गाइस यहां पे कैमरा में आप लोगों को जो बग था उन्हें यहां पे फिक्स कर दिया गया। तो गाइस यहां पे जो एक 3.07 का जो अपडेट देखने के लिए मिला वो गाइस यहां पे काफी बेटर अपडेट है Realme C3 डिवाइस के यूजर्स के लिए, क्योंकि गाइस यहां पे जो आपके डिवाइस में जो बग थे उन्हें यहां पे फिक्स कर दिया गया है। स्पेशली गाइस यहां पे जो कैमरा में बग था उन्हें यहां पे फिक्स कर दिया गया है। तो गाइस अगर बात करें गाइस यहां पे नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो वो गाइस आप लोगों को सिस्टम में देखने के लिए मिल जाता है, वो है गाइस ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी। यानी कि गाइस ऑप्टिमाइज कर दिया गया है सिस्टम परफॉर्मेंस को एंड गाइस इंप्रूव्ड कर दिया गया है सिस्टम स्टेबिलिटी को। तो गाइस ये काफी अच्छा अपडेट है, आपको अगर अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला तो गाइस आप यहां पे थोड़ा सा वेट कर लो, आपको अप्रोक्स 1 वीक के अंदर अंदर 3.07 का अपडेट Realme C3 डिवाइस में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस आप लोगों को जैसे ही अपडेट देखने के लिए मिलता है तो गाइस आप अपने डिवाइस को 3.07 में जरूर अपडेट कर लेना, क्योंकि गाइस ये एक अच्छा अपडेट है, इसमें जो स्पेशली कैमरा में जो बग था उन्हें यहां पे फिक्स कर दिया गया है। तो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। Realme C3 डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू अपडेट देखने के लिए मिलता है तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक चीज और मेंशन करना कि गाइस आप लोगों को 3.07 का अपडेट देखने के लिए मिला या फिर नहीं मिला,
तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।